के पाछळ कार्य करो सुशील कुमार सिंधिया जी जो भारत सरकार ना गृह मंत्री छे तेमनी साथे अपना गुजरात ना परोता पुत्र अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ना श्रीमती सोनिया गांधी ना राजकीय सलाहकार माननीय श्री हेमंत गोदे साहेब अने साथे अपना फिल्म स्टार राजकुमार पण खूब समय में उपस्थित है अपने तेमनो हार्दिक मांगे जेटली निश्चित है, ये बात पर इतनी निश्चित है कि यदि कांग्रेस ना उम्मीदवार जीत बना जाए, अने गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनवानी चाहे बनवानी चाहे अने बनवानी चाहे। मुझे माफ करो, मारा आवाज बराबर नहीं थी, घरों खराब थे, इसलिए वो मेरे बोल से कोई अंदर नहीं थे। एक एक दावा होता है इसे, खूब आज पोकर दावा हो चे। राज
यहाँ स्थान ने तो तुम पाछा जाओ अरे मतले यहाँ इधर वो उधर ये इधर चलो भाई अंदर बैठ बोले यहाँ इधर और ये यहाँ और वहाँ गली में उधर और ऐसा लग रहा है लोग सोचते होंगे ये सड़क रही होगी लेकिन मुझे लग रहा है कि इंसानों का रैला नजर आ रहा है वहां तक और मेरे ख्याल से सूरत के अंदर जिस तरह से ये कांग्रेस का झंडा वहां तक लहरा रहा है मैं यहां आए हुए सभी अपने भाइयों को अपनी माताओं बहनों को जो ऊपर खड़ी है जिनको ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रही है मैं उन सबको नमन करता हूँ सलाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ और दिल की गहराई ये देखिए जब दिल की गहराई से कोई किसी को बुलाता है तो कैसे कोई चला आता है और हिंदुस्तान का वो शख्स यहाँ पर आपके बीच में आया है कि जिसके हाथ में हिंदुस्तान की सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है ये ऐसी शख्सियत है जिनका बड़े अदब के साथ मैं नाम ले रहा हूं हमें फख्र है इस मुल्क को फख्र है कांग्रेस पार्टी को फख्र है यूपीए की सरकार को फख्र है और यहां बैठे हर उस इंसान को जो अपने आप को दबा कुचला जो अपने आप को संघर्ष से लड़ने वाला मानता है वो ये जानता है कि मैं अब महफूज हूं क्योंकि ये नाम सुशील कुमार शिंदे यहां पर मौजूद है। मेरे नौजवान साथियों आज एक नाम ऐसा है मेरे ख्याल से ये सूरत ही नहीं वो बैरूच नहीं वो बरूच नहीं वो अंकलेश्वर नहीं वो गुजरात नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की सियासत के अंदर एक अव्वल नंबर का नाम जो आज सामने आता है और कांग्रेस पार्टी में जो एक बहुत ही अहम जगह रखता है एक ऐसा शख्स एक ऐसा इंसान जिसको कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जिनकी मोहब्बत जिनका प्यार जिनका आशीर्वाद जिसको कोई बात नहीं नौजवान तू इससे नीचे उतर जा अभी तुझे इस दीवार पर चढ़ने की जरूरत नहीं अभी आने वाले कल में सिर्फ उंगली के इशारे से तो दीवार पर नहीं इमारत की ऊंची मीनार पर चढ़ जाएगा अभी नीचे उतर जा। मैं बड़े अदब के साथ में नाम लेता हूं और नाम लेते वक्त इतना कहना चाहता हूं कि जरा इतनी जोरदार तालियां बजाना और इतनी देर तक बजाना कि उन्होंने कहा था मेरा गला खराब है तो कम से कम इतना तो जान ले वो कि इतनी से ज्यादा तालियां मिलने वाली थी। अभी तो मैंने नाम नहीं लिया तब ये तालियां बज रही हैं और जब नाम लूंगा तो ऊपर से भी तालियां बजनी चाहिए। मैं बड़े अदब से नाम ले रहा हूं आपके अपने इस मुल्क के हर उस शख्स के भाई के नाम जिसको कहते हैं अहमद भाई पटेल। इस मंच पर तशरीफ फरमा कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण यहां पर आए हुए हमारे कांग्रेस के जिला के अध्यक्ष शहर के अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एनएसयूआई के अध्यक्ष सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को नमन करता हुआ मैं आपके बीच में मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूं मैं एक बार आया था तो यहां के सूरत में सूरत की सूरत देख के मेरा दिल खुश हो गया था जब यहां के मेयर से मिला था और मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैंने पूछा ये मेयर कौन है तो मैं नहीं जानता था तो लोगों ने नाम बताया तो मैंने ऐसे कान पकड़ लिया क्योंकि नाम में भी बड़ी इबादत थी बड़ी अकीदत थी इसलिए अब नाम का
निकाले उसका। हम तो यही कहते हैं जब पहले सूरत के लिए जब तुझे देखा था तब तेरे सामने तब हमने कहा था कि यार ये शख्स वाकई में ही उस परवरदिगार का उस दिए हुए उस शख्स का है, ये नाम ही नहीं बल्कि यहाँ की सूरत बदलने वाला इंसान है। आज आपके बीच में और आज आप लोगों के बीच में और आज आप लोगों के बीच में हम ना तो हिंदू की बात करने आए हैं, ना मुसलमान की बात करने आए हैं, ना ईसाई की बात करने आए हैं, हम किसी नाम की बात करने नहीं आए बल्कि सूरत की सूरत बदलने का काम करने के लिए आए हैं। और आज आपसे दरख्वास्त करने आए हैं, आपसे इल्तिजा करने के लिए आए हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हम आपसे इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हम तो सूरत बदलना चाहते हैं, उस परवरदिगार के दिए हुए उस नाम को आपके सामने लाना चाहते हैं और उसको सीधा गांधी नगर में ले जाना चाहते हैं, आपकी उंगली के सहारे से ले जाना चाहते हैं, आपकी उंगली की मोहब्बत से ले जाना चाहते हैं, आपके प्यार से ले जाना चाहते हैं। हमें बड़ा अजीब लगता है दोस्तों, जब यहाँ गांधीनगर का मुख्यमंत्री कहता है, उसके इश्तिहार पढ़ते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। वो लिखता है विकास पुरुष, हमारी समझ में नहीं आता। विकास तो हमारी समझ में आता है लेकिन उसके बाद का हमारी समझ में नहीं आता। भाई विकास तो आदमी समझ जाता है, विकास की परिभाषा भी हम दे सकते हैं, विकास के बारे में भी बता सकते हैं, विकास को समझ भी सकते हैं। विकास के माने हैं कि जो आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें नजर आती हैं, विकास के माने हैं जो आपको बड़े बड़े फ्लाईओवर नजर आते हैं, विकास के माने हैं कि आपको इस प्रदेश के अंदर जो आपको बच्चों को शिक्षा को लेकर जो तरक्की नजर आती है। अब वो तरक्की का जहां तक सवाल है भाई, ये किसको ले आए? अब जो भी है भैया बैठ जाओ। अरे इसको तो खड़ा करो, बिठाते क्यों हो यार? अरे कंधे पे खड़ा कर लो यार, जो भी हो। लोगों के बीच में रहूंगा जब तक मुझे उंगली के इशारे से आप वहां नहीं पहुंचाते। अरे जीते रहो यार, मेरा बस चले तो मैं भी माइक लेके लोगों के बीच में आ जाऊं, लेकिन अहमद भाई जाने नहीं देंगे क्योंकि शिंदे साहब यहां पर मौजूद है। क्या बात है, ये हुई ना बात। कमाल कर दिया भाई ने, बिठा दे। अब आप एक काम करें, जब यहाँ तक आ गया तो इसके लिए जोरदार तालियां तो बजा दे। अबे इसको बैठने की जगह तो दे दे। अब तो आदमी ने यहाँ तक आके हाथ जोड़ लिया, अब तो बैठने की जगह दे दो। अरे बिठाओ उसे आराम से, नहीं हो तो अपने कंधे पे बिठाओ यार। तो मैं इनसे बता रहा था जहाँ तक विकास की बात है, विकास को समझ सकते हैं आप। विकास को लेकर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, आज एक भी योजना का अगर आप नाम लेंगे तो केंद्र से आई है, पैसा केंद्र से आया है। यहाँ पर गरीबों के लिए जो घर बने हैं वो पैसा केंद्र से आया। हाँ एक विकास अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े कारखानों का हुआ, अगर आप कहते हैं कि विकास यहाँ पर बड़े बड़े मिल लग गए, तो भाई वो विकास हो सकता है क्योंकि चार पांच लोगों को बहुत सारी राहतें दी गई हैं। अगर ये विकास है तो फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, फिर तो भाई आप खुद समझ लो कि विकास किसने किराया और विकास का तौगा कौन ले रहा है। बाकी रही पुरुष की बात, उसका फैसला मैं नहीं कर सकता। उसकी फैसला इसलिए नहीं कर सकता भाई
कि उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की है। आपने कुर्ता पहना है पूरी बाजू का, बचपन से हमने कुर्ता सुना पूरी बाजू का, लेकिन इन्होंने कुर्ते की बाही काट के फेंक दी, बोलते हम कुछ नया करेंगे। अब आप सोचिए, इससे पहले कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के राज में 13%, 16%, 18% जो आखिरी कांग्रेस की सरकार रही उसमें विकास का दर रहा, और इनकी जब से सरकार आई है 9% से नीचे विकास का दर है, फिर भी कहते हैं विकास। अब हमको नहीं समझ में आया भाई, ये बाद में क्या लगाया गया है, विकास समझ में आ गया, और इस विकास की समझ को सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं साथियों कि आज वक्त है, आज इस बात का एहसास करना है। अगर हमारे भाई ने, अगर आज यहाँ पर अहमद भाई बोल रहे थे पीछे और यहाँ पर जवाब दे के आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जवाब आपको भी सुना दूं जो अहमद भाई ने दिया है, वो बहुत कमाल का जवाब है। अहमद भाई को जब ये कहा कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की जरूरत है, चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें सुल्तान नहीं चाहिए, उन्होंने जवाब कुछ और दे दिया, सल्तनत से सुल्तान को जोड़ दिया। कहा कि पहले अहमद भाई साहब को डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है, वो समझना चाहिए। तो अहमद भाई ने ये जवाब दिया है जो मैं आपको नजर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा लोकशाही प्रजातंत्र को सिखाने की जरूरत नहीं है अहमद पटेल को, वो अच्छी तरह से जानते हैं। आजादी की लड़ाई में इस लोकशाही को पाने के लिए कुर्बानियां दी गई, आज लोकशाही में लोग कुर्बानियां देते हैं, लोग जो है अपनी जानें देते हैं उस झंडे की रक्षा करने के लिए, गोलियां खाते हैं, और जब आजाद हो जाता है तो आजादी के अंदर लोकशाही को बचाने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं। इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी, और सुल्तान तानाशाह होता है, और सुल्तान तानाशाह कुर्बानी देता नहीं, जान देता नहीं, बल्कि जान लेता है। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करना, और जवाब सूरत के लोगों, आपके वो तो उंगली आपको ऐसे करता है, और हम आपसे मोहब्बत से कहते हैं इस मुकद्दस उंगली को पहचानने की कोशिश करना। जो शख्स का आज इस कार निकालता है कि मैं, वो अपना नाम लेके कहते हैं मैं मुख्यमंत्री जो आज यहाँ गुजरात में, मैं उनका आदमी हूँ, वो क्या कहते हैं जानते हैं, एक इश्तिहार आता है मैं उसका आदमी हूँ। मेरी समझ में नहीं आता आदमी का आदमी कैसे हो सकता है, और आदमी कहाँ होता है भाई, मेरे धर्म में नहीं, मेरे मजहब में नहीं, आदमी का आदमी तो नहीं सुना। हाँ एक गाना जरूर सुना है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अब इश्तिहार के उनके क्या माने हैं, वो इश्तिहार में आता है कोई आता है, कौन है आप, मैं उसका आदमी हूँ, आप किसके आदमी है, अरे कैसा भाई, कैसा शख्स है, कितने आदमी करेगा भाई, मेरी समझ में ये चीज नहीं आती। वो विकास के साथ में पहले तो अपनी गवाही लेना चाहते कि मैं क्या हूँ, और उसके बाद में कहते मैं उसका आदमी हूँ। दोस्तों, आदमी अगर ये कहे कि मैं आदमी का आदमी हूँ तो मुझे शर्म से कहना पड़ेगा कि बहुत ही गंदी सोच है। आदमी तो अगर ये कहता तो कहता मैं परवरदिगार का आदमी, मैं उस मालिक का बंदा हूँ। अगर कहता है तो अपनी माँ और बाप की नेकियों का बंदा हूँ। अगर कहता है तो कहता है मैं इस संस्था का बंदा हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूशन का बंदा हूँ। अगर कह ही देते तो ये मुझे खुशी होती, तो अगर ये कह देता कि मैं अपनी पार्टी का बंदा हूँ तो मैं तो कहूंगा बीजेपी वालों सोचने की कोशिश करो, जो आपकी पार्टी का नहीं होना चाहता वो कहता है कि मैं उसका बंदा हूँ, तो कम से कम आप राष्ट्र के नाम से, इस राष्ट्र प्रेम के नाम से, इस देश की संस्कारों के नाम पे आओ, और इस हाथ के पंजे के निशान को समझने की कोशिश करो। हमने कभी नहीं कहा, इस पार्टी ने कभी नहीं कहा
कि आप किसके हैं। इस पार्टी ने हमेशा ये कहा हाथ से हाथ मिलाओ। इस पार्टी ने हमेशा कहा आप जहां हैं आपके साथ में हाथ है। इस पार्टी ने इतना ही कहा कि ये हाथ है जो कहता है वो करता है। हमने कभी नहीं कहा, पिछले चुनाव में देख लेना, पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, इस बार फिर वादे कर दिए। पिछले चुनाव में वादे किए थे, मध्य गुजरात गए थे, मध्य गुजरात में जाके बोले अरे यहाँ पर गैस निकलती है, यहाँ पर पेट्रोल निकलता है। ये बोला था भाई देखो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ भी बैठे हुए थे, सब लोगों ने लिख लिख के दिया, कैमरे वालों ने दिखाया भी था, हमने उस तोप से देखा भी था कि वो कह रहे थे मध्य गुजरात में कि यहाँ पर तेल निकलता है, यहाँ पर गैस निकलती है। अरे हमारी सरकार आने दो, हम जब नल खोलेंगे तो उसमें पेट्रोल निकलेगा। अरे ये कैसा पेट्रोल निकला तुम्हारी सरकार में कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल आज आपके गुजरात प्रदेश के अंदर। हमारे पड़ोस में जाओ, दिल्ली में आओ, आपको चाहे 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए सस्ता मिले, 6 रुपए सस्ता मिले, लेकिन यहां से सस्ता मिलेगा। और पिछली बार इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, इनके मैनिफेस्टो में था बीजेपी में, इन्होंने लिखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम होमलेस नु होम देंगे, यानी जिसके घर, जिसके सर पे छत नहीं है, जिस गरीब के पास में घर नहीं है, हम उसको घर देंगे। कांग्रेस के साथियों ने ये सोचा, इंसानों के अंदर लोगों के बीच लोग अपनी त्राही त्राही करते थे, अपना दर्द सुनाते थे, और जब उनके पास में गए तो पूछा क्या, बोले हमारे पास घर नहीं है, बोले हमारे पास घर नहीं है। सोनिया जी के पास में गए आदरणीय सोनिया जी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर किसी को, गरीब को घर दिया जाएगा। और ये ही नहीं, उन्होंने कहा कि घर हमारी माता और बहनों के नाम पर होगा। जानते हो क्यों कहा? इसलिए कहा कि मेरी माँ और बहन को जब मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तो मेरा भाई भी उस बहन की इज्जत करेगा, उसका सम्मान करेगा। यह है कांग्रेस की नीति। और जब फॉर्म भरने का काम आया तो 45 लाख से ज्यादा लोगों ने गुजरात में फॉर्म भरे। रात ही रात में इनकी हालत खराब हो गई और इन्होंने सुबह ये कहा, कह तो गए, जल्दबाजी में जवाब देना था, समझ में नहीं आया था इनको, इन्होंने लगा मैं कुछ अलग करूंगा। क्या अलग किया भाई, एक बार पहले कुर्ते को तो आधा कर दिया, अब मैं कुछ और काट करता हूं, क्या करूंगा, ये 45 लाख लोगों को दिया है, मैं 50 लाख लोगों को कर दूंगा। लेकिन एक चीज भूल गए, इनकी समझ में नहीं आया कि धर लिए गए, यानी 45 लाख लोगों के ऊपर इन्होंने ये माना कि 50 लाख घर देंगे, यानी 50 लाख घर देने का मतलब है कि आपने गुजरात में गरीबों को घर नहीं दिया और 50 लाख देने का आज फिर से वादा किया। और मैं वही लाइन बोलूंगा कि जैसे अहमद भाई बोलते हैं कि दीवाने ने कहा और दीवाने ने सुना, खत्म हो गई बात, चुनाव के बाद देखा जाएगा। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो 45 लाख लोगों का जो फॉर्म भरवाया है, उस फॉर्म की पूरी उसका पूरी फहरिस्त आदरणीय सोनिया गांधी जी के पास में पहुंची है, उसमें से एक भी घर रह नहीं जाएगा, ये आपको वादा किया जाता है, घर न घर का वादा, उस मान सम्मान का वादा है। और मैं आपसे कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि ये मंच बहुत मुकद्दस है और फैसला भी आपकी मुकद्दस उंगली ने करना है। ये उंगली बहुत ही, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उसके लिए बहुत ही पवित्र उंगली है, बहुत ही मुकद्दस उंगली है, ईश्वर के लिए भी यही उंगली उठती है। और हमारा मुसलमान भाई जब गवाही के लिए उंगली उठाता है तब भी यही उंगली उठती है। इसलिए दोस्तों, इस उंगली का इस्तेमाल इस प्रदेश की बहबूदी के लिए करना,
खुशहाली के लिए करना, तरक्की के लिए करना, और इस उंगली से बटन दबाते हुए सोचना कि हाथ का पंजा हमारे प्रदेश के अंदर दोबारा से एक प्रगति की राह पर लेकर आएगा, सच्ची राह पर लेकर आएगा, और उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देगा जो आज मुस्कुराहट के लिए डरते रहे थे, हंसते हुए खेलते हुए मुट्ठी बांध कर जो अपना फैसला सुनाएंगे। और जब सुनाने जाओगे तो 20 तारीख को ये लिखने वाले भी ठीक से लिखेंगे, क्योंकि की स्याही भी ईमानदारी की स्याही हो जाएगी। मेरी यही गुजारिश है एक बार फिर से हाथ के पंजे पर बटन दबाना। आपका वक्त लिया, आपने मुझे सुना, और अहमद भाई की वजह से आपने मुझे सुना, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, जय। मेरे साथी और कांग्रेस पार्टी के नेता अहमद पटेल साहब, मेरे दूसरे संसद के साथी जिन्होंने इतना जोरदार भाषण किया, वो राज बब्बर जी, श्री बाबू रायकर जी, भूपेंद्र सोलंकी जी, नसीब देसाई जी, रफीक पीरजादा जी, नसीम अख्तर जी, मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण, देवी और सज्जनों, राज बब्बर जी ने तो पूरा पंचनामा किया है। पंचनामा के बाद केस जाती है कोर्ट में, और आप इतनी बड़ी कोर्ट यहां बैठी है, वो आपको निर्णय देना है अभी आने वाले 13 तारीख को कि आपका वोट किसको जाने वाला है। हमने कल तक देखा, हम चुप बैठे थे, 10 साल चुप बैठे, लेकिन मैं अभी अभी टीवी से देख रहा था, मैं बड़ौदा से आ रहा हूं, दोपहर अहमद भाई, दोपहर इतना धूप इतना था, लोग रास्तों पर क्या खड़े थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोनिया गांधी पर उन्होंने जो प्यार किया है आज हम नहीं भूल सकते कांग्रेस वाले। आज वही माहौल यहां मैं देख रहा हूं, और अभी मैं थोड़े देर के लिए टीवी देख रहा था तो टीवी पर गुजराती में आ रहा था ये चुनाव के बारे में। आज चुटकी नहीं, झंझावात छे, ये गुजराती में बोलते चुनाव नहीं है, झंझावात है। यही बात 2004 में आंध्र में चंद्राबाबू कहते थे, और दुनिया को बोलते थे कि मेरा आंध्र देखिए क्या चीज है, सब पब्लिसिटी, पब्लिसिटी टीवी पे पब्लिसिटी थी, न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी थी, और जहां जहां भी उनके लोग थे वहां पब्लिसिटी थी कि आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा यहां प्रोजेक्ट आ रहे हैं और गरीबों के लिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। वही कार्यक्रम यहां नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं। तो 2004 में वहां की जनता ने बताया वो चंद्रा बाबू को, चंद्रा बाबू आप केवल हैदराबाद के सुशोभितकरण से कुछ काम नहीं होगा, जो इस देश में आंध्र प्रदेश में जो गरीब है, जो किसान है, दलित है, उनके बारे में आपने कुछ नहीं किया, वही हालत ये मोदी ने ये गुजरात के करके रखी है। हमारा किसान आज मर रहा है। महाराष्ट्र देखा जाए, कल तक वहां आत्महत्या होती थी किसानों की, गए 2 साल में कुछ नहीं है वहां, लेकिन आज यहां गुजरात में जो हत्या हो, किसानों की आत्महत्या हो रही है, कहां लेके जा रहे हो आप मोदी जी। हमने, मैं जब बिजली मंत्री था, गुजरात के लिए मैंने पूरा बिजली देने का प्रयास किया,
क्या हो गया, जो भी बिजली हम देते थे वो यहाँ के किसानों को नहीं मिली, गरीब झुग्गी झोपड़ी को नहीं मिली। गुजरात ने ये बिजली बाहर के प्रांतों में भेज दी है। ये इतना बद ख्याल ये गुजरात ने रखा था, जो बिजली गरीबों के लिए देने के लिए दी थी, किसानों के लिए दी थी, वो यहाँ नहीं हो गई। अहमद भाई को मालूम है, मैं जब चीफ मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, अरे सब कुछ पैसा वैसा तो सब गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है। हमने कांग्रेस ने निर्णय लिया सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हमने किसान के लिए बिजली महाराष्ट्र में मुफ्त कर दी और फिर वहां दोबारा सरकार लाया। नहीं तो लोग बोल रहे थे उस वक्त, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आएगी। वही अहमद भाई है, वही जो कमेटी बैठी थी, और मेरे जैसे एक आदमी को सोनिया गांधी ने दलित वर्गीय नेता को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, जो कभी नहीं बन सकता था मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। लेकिन उस दो साल में जो निर्णय ले लिए, जो शिवसेना बीजेपी बार बार कहती थी, और क्या क्या भाई हो मैं बताना चाहूंगा, ये शिवसेना बीजेपी के लोग सूट बना के तैयार रखे थे, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनूंगा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बोला कि महाराष्ट्र की जनता सर्वधर्म समभाव की है, यहाँ धर्म के नाम पर कोई भी वोट नहीं ले सकता है, इसका निर्णय उन्होंने दिया। और दो साल में मैं वहां मुख्यमंत्री था, सरकार लाई, फिर मैं गया आंध्र में राज्यपाल बोल के, वहां से फिर दिल्ली सरकार में मुझे लाया मंत्री बोल के, आज गृह मंत्री बनाया। सोनिया गांधी जी एक ऐसी नेता है जो सर्वधर्म समभाव के विशिष्ट रूप से इस देश को ले जाना चाहती है। मेरे जैसे आदमी को, दलित वर्गीय आदमी को, उन्हें संसद का नेता बनाया, जो कभी अभी तक शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं बन सकता था, वो सोनिया गांधी जी ने। साथियों, मैं गृह मंत्री हूँ, होम मिनिस्टर हूँ भारत का, जो गुप्तहेर रहते हैं, इंटेलिजेंस की मालूमात कर लेते हैं, वो कोपरे में कानून का क्या चला है, कौन क्या बोल रहा है, सरकार किस तरह गिराना चाहते हैं, कोई कहाँ खून हो रहे हैं, कहाँ खून खराबी हो रही है, ये जो गुप्त मालूमात सीक्रेट मालूमात करते हैं, लेते हैं, उसका आईबी का इंटेलिजेंस ब्रांच का डायरेक्टर जो रहता है, भारत को स्वतंत्रता हासिल करके 60-65 साल हो गए, लेकिन अभी तक कभी शेड्यूल कास्ट का और मुस्लिम आदमी कभी वो उस जगह पर नहीं गया था। बट सोनिया गांधी ने इब्राहिम नाम के एक हमारे ऑफिसर को उस गद्दी पे बैठाया डायरेक्टर इंटेलिजेंस बोल के। क्या दूसरा कोई हिम्मत कर सकता था इस देश में? सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं, लेकिन सर्वधर्म समभाव की नहीं, भारत का गृह मंत्री शेड्यूल कास्ट का हो सकता है, संसद का नेता शेड्यूल कास्ट का हो सकता है, और डीआईबी डायरेक्टर इंटेलिजेंस मुस्लिम बन सकता है, ये भारत के लोकशाही प्रधान प्रजातंत्र में हो सकता है, दूसरी जगह किधर नहीं होता। और क्या बताएं दोस्तों, कांग्रेस वाले भी हमारे बड़े होशियार लोग होते हैं। मुझे, मैं सांसद था, मुझे मुख्यमंत्री बोल के भेजा महाराष्ट्र को, वहां से गवर्नर बोल के आंध्र में भेजा, वहां से दिल्ली में लाया मंत्री बोल के, यहाँ फिर अभी गृह मंत्री बोल के लाया। ये नरेंद्र मोदी भी मेरे वक्त वही थे, 2004 में उसी जगह बैठे थे, मैं पूरी दुनिया फिर के आ गया, लेकिन वो वहीं बैठे। और क्यों बैठे हैं? लोगों को गुमराह करने के लिए बैठे हैं, उनका एक ही काम है, लोगों को गुमराह करो। असली कुछ होता भाई हो,
तो क्या जरूरी है टेलीविजन की जाहिरात की, एडवर्टाइजमेंट की क्या जरूरी है? वो क्या हमारे राज बब्बर जी बहुत बार करते, खुशबू नहीं आती कागज के फूलों से, तो वैसा है वो। और मैं साथियों ये बताना चाहता हूं कि क्या अभी ये गुजरात में 11 साल में 10 साल 2001 से आज तक 13 लाख इंडियन पुलिस कोड के आईपीसी केसेस यहां रजिस्टर हो गए हैं, 13 लाख केसेस। मैं तो हैरान हूं, मैं भी एक एक्स पुलिस ऑफिसर हूं, मैं पुलिस ऑफिसर था बंबई में सीआईडी में, लेकिन ऐसा राज्य कभी नहीं देखा हूं इतनी बड़ी तादाद के नंबर से इतने केसेस, कितने यहां लोगों के किडनैपिंग हो गए। कौन फिक्र करेगा यहां के, क्या मिला है आदिवासियों को? महाराष्ट्र में जाके देखिए नजदीक का प्रांत, मैं यहां आ गया था जब भूकंप हो गया था, तभी मुख्यमंत्री के नाते यहां घर हमने दे दिए थे महाराष्ट्र के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन करके पूरे घर इनको देने के लिए मैं आया था। लेकिन आज बता रहे थे राज बब्बर जी कि कितने घर आपको देंगे, बोले 50 लाख घर 5 साल में देंगे। अरे भाई 10 साल तू सत्ता पे था, कितने हजार दे दिया, कितने लाख घर दे दिया? और मैं सोचते रहा, जरा गिनते रहा अहमद भाई कि 50 लाख 5 साल में घर देंगे तो ये एक दिन के लिए कितने घर होते हैं? 2739 एक दिन में। अभी ऐसा कौन सा भगवान आया है 2700 घर एक दिन में बनेगा? अरे मेरे वारे मेरे मुख्यमंत्री, किसको बनाते हो? और कोई है हरि का लाल आप में से कोई बना सकेगा? मैं 40 साल सत्ता में हूं, फाइनेंस मिनिस्टर 9 साल रहा हूं, लेकिन मेरे कारकिर्द में कभी साल में 50,000 भी घर हम नहीं कर पाए, साल में 50,000 नहीं कर पाए, 5,000 के ऊपर 4,000 5,000 के ऊपर नहीं जा पाते थे। और इतना ताकतवान आदमी कैसे करेगा, कितना गुमराह करोगे आप जनता को? मैं अभी आ रहा था, पूछ रहा था क्या भाई अपने युवकों के लिए क्या किया, बोला उन्होंने युवकों के लिए एक काम किया, बहुत आश्वासन देते रहे, बोले 10 साल, अभी क्या करोगे? वो अभी आने वाले चुनाव में युवकों ने बोला हमारी ताकत कुछ कम नहीं है, हम 10 लाख युवक है जिनको हाथ को रोजी रोटी नहीं है, हम हमारा हाथ अभी जरूर बताएंगे उनको। और कौन सा हाथ? वो है कांग्रेस का हाथ, हाथ ऊपर आए। बहुत सहन किया दोस्तों, गुजरात ने बहुत सहन किया है। मैं भी नजदीक के प्रांत का कार्यकर्ता हूं, मैंने देखा है, पहले भी देखा है। मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि 1995 में यहां सरकारी नौकर थे 2,15,000, 1995 में, और आज कितने हैं? 1,74,000। अरे 2,15,000 के 6-7 लाख होने चाहिए थे, उल्टा इन्होंने कम कर दिए हैं। और ये सोचने की बात है दोस्तों कि बहुत साल गुमराह नहीं कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट से लोगों का नुकसान नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लोग हैं, मैं जल्लोस देख रहा हूं, पीछे तक देख रहा हूं, जिसको स्टेज नहीं दिख पड़ रहा है वो सुन रहे हैं कि एक ऐसा मौका आ गया है। मैं नहीं बोलूंगा किसी को, कई लोग बोलते हैं कत्ल की रात बोलते हैं, ये बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा,
क्योंकि हमारी कांग्रेस की संस्कृति अलग है। हम संस्कृति से बात करते हैं और देश को सर्वधर्म समभाव के नेतृत्व से लेके जाते हैं। इस देश में कभी भी जिन जिन लोगों ने धर्म के नाम पर काम किया वो कभी नहीं टिके हुए हैं। मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ 12 कैंडिडेट है बैठे हैं, बहुत तेरे में साथियों को उनके साथ भी काम करने का मौका मुझे मिला है और आज वो नीचे बैठे हैं साथी हमारे, ये बहुत डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। नहीं तो कैंडिडेट हो गया तो आगे पीछे करके आगे आते हैं। जनता के लोग हो, जनता हमारी असली मालिक है, हम सेवक है, उनके साथ रहना हमारा काम है। ये एक ऐसा मौका है तुम्हारे को कि पूरा देश गुजरात को देख रहा है और विशेषता सूरत को देख रहा है और ये सूरत जहां नामचीन है, अपने गरीब कामगारों के लिए नामचीन है, अपने कष्ट से सेवा करने में नामचीन है, यहां बुनकरों का भी क्षेत्र है। महाराष्ट्र में हम बुनकरों को सब्सिडी देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, हैंडलूम वर्कर्स को बिजली देते हैं, कंसेशनल बिजली देते हैं ताकि हैंडलूम वर्कर्स आगे बढ़े, हथकरघा आगे बढ़े। लेकिन यहां उन पर भी चार्ज ज्यादा लगता है ऐसा मुझे पता चला और उस पर भी वैट लगता है इस तरह का मुझे पता चला है। साथियों और भी कई नेता बोलने वाले होंगे, मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि मैं अभी जो 2-3 मीटिंग करके आया हूं इससे मेरा पूरा विश्वास बैठ गया है। अब मैं जब आ रहा था तभी कैसा होगा हमारे गुजरात के हालत क्या होगी, कैसे लोग होंगे, क्या मदद करेंगे, क्या फिर वही बात जाति और धर्म की बात चलेगी, तो नहीं। मैं देख रहा था कि सुबह इतनी कड़ी धूप थी वडोदरा में, ऐसे धूप में हजारों के संख्या में लोग खड़े थे और कौन थे वो लोग, गरीब थे, दलित थे, शेड्यूल कास्ट थे, माइनॉरिटी के थे और मध्यम वर्गीय के लोग थे। ये मैं पहली बार गुजरात में देख रहा था कि जो साथ हमें दे रहे थे। और ये जो एक पायलट है और इसी के लिए मैं कहता हूं ये एक नया ऐसा तूफान आने वाला है। अभी 13 तारीख को मैं अभी एक हमारे साथी को बोल रहा था कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गई थी, अभी मैं हमेशा जनरल सीट पे खड़े रहता हूं, लेकिन अहमद भाई ने वगैरह सब ने लोग बोला पार्लियामेंट के लिए अभी किसको बताने को जाने का है तुम्हारे को, जनरल सीट पे वही खड़े रहे हो, वही पूरे देश को बताया आप चुन के आते हैं, अभी वो सीट रिजर्व हो गई तो वही खड़ा रहना है। थोड़ा डिलिमिटेशन में थोड़ा एक 2 तालुके दूसरे आ गए थे मेरे उसमें, तो वहां हमारे बड़े नेता की राहुल गांधी की सभा हमने आयोजित की थी और मैं साथियों जनता का दिल मैं बताता हूं उनके मन में क्या होता है। और वो मीटिंग में दोपहर के 1 बजे थे, लोग अगल बगल बैठे थे और मैदान तो बड़ा कम से कम 1 लाख का मैदान था, लेकिन धूप में कोई मैदान में नहीं था, अगल बगल बैठे थे 5,000 लोग हो गए ज्यादा से ज्यादा। मैं भी डर गया, मेरे सेंट्रल के लीडर भी डर गए, अहमद भाई भी थोड़े डर गए थे कैसा होगा मेरे दोस्त का। हम दोनों जनरल सेक्रेटरी थे नरसिंह राव के वक्त और तभी से हमारा दोस्ताना था, क्या होगा पूछा, मैं बोला देख लेते हैं। और जब चुनाव हो गया दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वोटर्स के दिल में जो बात होती है वो बोलते नहीं है कभी, और जब चुनाव का रिजल्ट आ गया 1 लाख का लीड लेके मुझे उन लोगों ने चुना के दे दिया।
ये अहमद भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के दिल में की जो बात है, 10 साल चुप बैठे हैं यहाँ के लोग, एक आपको मौका है और ये ऐसा मौका है कि आपको मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। जब भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव आ गया था पहले यूपीए में, और हम सब लोग सेंट्रल हॉल में बैठे थे, हम सब लोग चाहते थे कि सोनिया गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हमारे को लगा सब लोग जाके बोलते थे कि वो प्रधानमंत्री बनेगी, उस आ गई सेंट्रल हॉल में, और हमें लगा कि अभी सब मालाएं डालने को हम जाना है अभी, तो उठी और बोली कि मैं वो नक्शे कदम पे चल रही हूं जो इंदिरा गांधी जी ने मुझे रास्ता बताया है, जो राजीव गांधी ने मुझे रास्ता बताया है। इस देश का पंतप्रधान माइनॉरिटी का होगा और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम उन्होंने लिया और वो प्रधानमंत्री बने। कितनी बड़ी ताकत है सोनिया गांधी जी में। अरे हमारा कोई ग्राम पंचायत का सरपंच होगा, अरे भाई तुझे कुछ देता हूँ, ये तू रिसिग्नेशन दे, राजीनामा दे, बोले तो नहीं आज देता हूँ, कल देता हूँ, देखता हूँ, बोलते कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक एक मिनट के अंदर, हम सब लोग नाराज हो गए थे कि हम चाहते थे दिल से। और आज भी मैंने बोला, बड़ोदरा में प्रेस वालों ने मुझे पूछा आपका देश का प्रधानमंत्री अगला कौन है, हमने बोले राहुल गांधी जी हमारा देश का प्रधानमंत्री है कांग्रेस का। हमारा एक ही प्रधानमंत्री होता है, एक पार्टी और एक प्रधानमंत्री, इनका समझ गए दोस्तों। अरे 8 साल पहले अडवाणी जी यात्रा निकालते थे और सब लोग बोलते थे देश का नेता प्रधानमंत्री अडवाणी जी, फिर आ गए सुषमा जी, फिर आ गए जेटली जी, फिर आ गए राजनाथ जी, और फिर आ गए गडकरी जी। और अभी और दूसरा, और ये बोलते हैं कि मैं ही हूं। पांच पांच लोगों की लाइन, हमारा एक, जो बोलते हैं वो करके बताते हैं। इनमें झगड़े लगे हैं दोस्तों, लगने दो। भारतवर्ष, हमारी कांग्रेस की नीति सर्वधर्म समभाव की है। इस देश के गरीबों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को ऊपर लाने के लिए है, और हम ये वादा करते हैं आपसे, हमारे मैनिफेस्टो से वादा करते हैं कि जो अभी बता रहे थे राज बब्बर जी कि जो एप्लीकेशंस भर के लाए हैं घर देने के लिए, वो वादा हम पूरा करेंगे। जो वादा किया है वो जरूर हम निभाने का काम करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। आज साथियों, आज मैं भी ऐसे पब्लिक मीटिंग में अहमद भाई के सामने मैं पहली बार ही बोल रहा हूं। वो हमारे बड़े दोस्त है, बड़े समर्थक है मेरे भी पहले से, मैं तो एक छोटा आदमी हूं। देखिए, सोनिया गांधी जी सब पर ख्याल रखती है, इसलिए ख्याल रखती है कि उनको देश एक सब लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का वो प्रयास करती है, और इसलिए हम जैसे लोग आते हैं आगे, नहीं तो कौन होने देता है। आप तो महाराष्ट्र में जाते आते हैं रोज, यहाँ नजदीक है बंबई आपके, कभी दलित का मुख्यमंत्री हो सकता था क्या वहां? नहीं हो सकता। आपके उधर हो सकता है? इधर भी ले, इधर भी नहीं। लेकिन कांग्रेस हो जाएगी तो पता नहीं दोस्तों सोनिया गांधी जी के दिल में क्या है। वो चुन चुन के देखती है जो दबे हुए लोग हैं उनके लिए
कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करेगी और कांग्रेस इस देश को जिंदा रखेगी। यही मैं आपसे यही विनती करूंगा कि जिस उत्साह से मैं देख रहा था हमारे कैंडिडेट कंधे पे बैठ के आ रहे थे, ये मैं देख रहा था कि विजय का जुलूस ही अभी आपने निकाला है, लेकिन 13 तारीख को दोस्तों आपको भूलना नहीं है। 13 तारीख को आप बटन किस चिन्ह पर बताओ दबाओगे? बहुत अच्छा, ये आपके दिल में है तो कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद। खूब खूब धन्यवाद होम मिनिस्टर साहब, शिंदे साहब। अभी यहाँ जो हमारे बीच में मेहमान पधारे हुए हैं उनका हम सम्मान करेंगे। सबसे पहले हमारे होम मिनिस्टर भारत सरकार के सुशील कुमार शिंदे साहब उपस्थित हैं, उनका सम्मान करेंगे। विरोध पक्ष के नेता श्री बाबूभाई राय का, उसके बाद बाबूभाई राय का जी सम्मान करेंगे। हमारे गुजरात के सांसद और सोनिया जी के राजकीय सलाहकार माननीय श्री अहमद भाई पटेल साहब का। अभी रफीक भाई पीरजादा भी यहाँ उपस्थित है, रफीक भाई सम्मान करेंगे। फिल्म स्टार श्री राज बब्बर साहब का, हमारे नईम भाई रिफाई हमारे काउंसिलर है, वो स्वागत करेंगे माननीय श्री अहमद भाई पटेल साहब का। श्री राजेश्री बेन चौहान हमारी महिला कांग्रेस की प्रमुख है, वो स्वागत करेंगे शिंदे साहब का। श्री जुनेद भाई वजीबदार, श्री जुनेद भाई वजीबदार स्वागत करेंगे माननीय श्री सुशील कुमार शिंदे जी का। श्री मनु भाई जनकिया वाला जो हमारे प्रदेश जी के मंत्री है, वो स्वागत करेंगे माननीय श्री अहमद भाई पटेल साहब का। श्री संजय सोलंकी हमारे युवा कांग्रेस के आगेवान है, संजय सोलंकी स्वागत करेंगे माननीय श्री अहमद भाई पटेल साहब का। अहमद भाई पटेल साहब का स्वागत करेंगे संजय सोलंकी। अभी यहाँ सभा बरकस होती है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आए हुए मेहमान पधारे हुए मेहमान का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।